भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने मंगलवार को 5 वार्डों में सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों को गति देने भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के नागरिकों को शुरू होने वाले विकास कार्यों की बधाई देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र के सड़कों की दशा और दिशा बदलकर बेहतर होने से लोगों को सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी। महापौर निर्मल कोसे ने विकास कार्यों को फिर एक बार गति प्रदान की है। उन्होंने वार्ड क्रमांक 1 इंदिरा नगर में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से होने वाले सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद वार्ड क्रमांक 3 अकलूर डीह में भूमि पूजन कर 16 लाख रुपए की लागत से RCC नाले निर्माण का शुभारम्भ किया। वही वार्ड क्रमांक 4 जरवाय में विकास की कई सौगातें दी। इस वार्ड में उन्होंने लगभग 3.5 लाख से RCC नाली, लगभग 12 लाख रुपए से RCC रोड, वहीं 19 लाख रुपए से विश्वकर्मा चौक से गांव के तालाब तक BT रोड, वहीं 19 लाख रुपए की लागत से मिनी माता चौक से रिंगनी रोड को जोड़ने BT रोड निर्माण का भूमि पूजन किया। साथ ही इसके अलावा जरवाय गोठान में 1,02,65,000 रुपए की लागत से होने वाले रेपा निर्माण की भी आधारशिला रखी। महापौर निर्मल कोसरे ने वार्ड क्रमांक 6 उमदा में लगभग 4.5 लाख से RCC नाली, 11.5 लाख से RCC रोड, 32 लाख से साहू भवन के पास RCC रोड, 5 लाख से देवांगन भवन में आहता निर्माण, 5 लाख से डोम शेड निर्माण, साथ ही लगभग 5 लाख रुपए से चार्जिंग शेड बनाने के लिए भूमि पूजन किया। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 7 विश्व बैंक कॉलोनी में लगभग 15.5 लाख रुपए की लागत से RCC रोड निर्माण का भूमि पूजन महापौर द्वारा किया गया। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि लंबे समय से इन वार्डों के निवासी सड़क व नाली सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे और हमारा ध्यान आकर्षण करा रहे थे। आज भूमि पूजन कर कार्यों को गति प्रदान की गई। साथ ही उन्होंने कहा आने वाले दिनों में जन भावना के अनुरूप विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से भूपेश है तो भरोसा है। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में लगातार विकास की जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मिल रहा है उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 1 हथखोज इंद्रनगर में, वार्ड नंबर 3 अकलोडी, वार्ड नंबर 4 जरवाय, वार्ड नंबर 6 उमदा और वार्ड नंबर 7 में भूमि पूजन किए हैं। लगभग आज जो भूमि पूजन हम लोगों ने किए हैं 2.5 करोड़ रुपये की राशि की लागत से विभिन्न जो सामाजिक लोगों की जो मांग थी, वार्डवासियों की जो मांग थी, मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए उसका विस्तार किया जा रहा है। पूरे नगर निगम के 40 वार्डों में लगभग 27 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन अभी 3 दिन के भीतर किया जाएगा। मैं इतने राशि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भिलाई चरोदा वासियों की सबसे बड़ी मांग थी उनके लिए भी उन्होंने राशि प्रदान किया है। 14,67,00,000 रुपया मिनी स्टेडियम को स्टेडियम निर्माण के लिए भिलाई 3 के लिए प्रदान किया है। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी ने भिलाई चरोदा को एक नई पहचान दिलाने का जो प्रयास किया है विकास की गति निरंतर आगे भी रहेगी। आप सबसे निवेदन, भूपेश है तो भरोसा है, इस स्लोगन में आप विश्वास रखें और भिलाई चरोदा का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर MISC सदस्य एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया, महामंत्री पप्पू चंद्राकर, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अशफाक अहमद, इंद्रजीत यादव, मोहम्मद आमिर सहित सभी वार्ड के गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। रहने सीएन न्यूज़ के लिए शरण करी की रिपोर्ट।